नमस्कार मित्रों, आपका केडीएस सुजानगढ़ चरण में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। मेघवाल जनसंपर्क महारैली का आयोजन अभी बिदासर में होने वाला है। हम बिदासर पहुंच चुके हैं जहां पर महारैली का आयोजन होने वाला है और वहां जनसंपर्क मेले में I'm
विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री हेमराम मेघवाल की जनसंपर्क वाहन रैली महारैली का आयोजन किया जा रहा है। बिदासर में जबरदस्त युवाओं में उत्साह है। जनसैलाब है यहाँ पर। विधानसभा की सड़कों से गुजरता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हेमाराम मेघवाल का जनसंपर्क वाहन रैली। प्रत्याशी हेमाराम मेघवाल के समर्थन में रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में बाइक और अन्य जनसैलाब उमड़ रहा है। बिदासर के मुख्य बाजार से गुजरती हुई ये रैली अगुआ में होता हुआ बिदासर
का जनसंपर्क रैली की सड़कों पर उतरता हुआ अगुवा में होता हुआ पिता से विधानसभा के चुनाव के लिए आज विधानसभावासियों ने ऐतिहासिक ये मुझे समर्थन दिया है। मैं इसके लिए विधानसभावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और मैं आपके बीच में आज वोट की अपील करें और आपके आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और विधानसभा के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज इस शो के अंदर आप लोगों का जनसमाव देख करके मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि 7 तारीख का यह कमल का फूल खिलेगा। निश्चित रूप से मुझे अभी और कई वक्ता को बोलना था लेकिन समय की पाबंदी के कारण से मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उस सम्मान का सम्मान करूंगा, आपका स्वाभिमान का ऊंचा रखूंगा और बीदा सरवासियों और सुधारगढ़ विधानसभा का मान और सम्मान बढ़ाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास लाता हूँ। इस क्षेत्र में विकास के जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। आजादी के पहली बार आपके यहाँ पंचायत समिति का गठन हुआ है, वो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बीदासर में पंचायत समिति बन जाएगी। यह राजकीय महाविद्यालय किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि बीदासर में भी राजकीय महाविद्यालय हो सकता है क्या। आपका राजकीय विद्यालय भी चालू हो गया है। यही नहीं, आपके यहाँ जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछा है वो आजादी के बाद पहली बार आपको देखने को मिला है। ये बीदासर से छापर होते हुए सुजानगढ़ रोड, ये बीदासर से गोपालपुरा होते हुए सुजानगढ़ रोड, ये बीदासर से नोखा रोड, ये बीदासर से डूंगरगढ़ रोड का इसकी स्वीकृति जारी हो गई है और सुजानगढ़ के अंदर बीदासर से डडिल जाने वाली रोड, ये बीदासर के चारों तरफ से जो रोडे है वो ऐतिहासिक इतनी शानदार रोड बनकर तैयार होने जा रही है। बीदासर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि आपकी योजना का पानी आपके बीदासर में पहुंच गया है और ये बहुत बड़ी एक योजना थी। 950 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना स्वीकृत हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि ये तो भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, ये भ्रांतियां को अपने को इंतजार करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर चिन्ह पर जिताना है। यहाँ तो जिस ढंग की व्यवस्थाएं हुई है उस व्यवस्थाओं को देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो विकास के काम किए हैं, हमारा शिक्षा के अंदर जो 26वें स्थान पर थे आज हम 2रे स्थान पर पायदान पर है।
हमने सड़कों के अंदर एक इतिहास कायम किया है और राजस्थान के जो सड़कें बनी है तो बड़े बड़े पुल बने हैं, हाईवे रोड बनी है, पहली बार देखने को आपको मिलेगी आजादी के बाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की बहुत सारी गाथा है लेकिन मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं इस अवसर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर पड़ा रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 7 तारीख को यहां से भारी मतों से जिताकर भेजेंगे और मैं आपके मान और स्वाभिमान का कभी नीचे नहीं होने दूंगा, आपका मान स्वाभिमान हमेशा बिरला सर का ऊंचा रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास ला सकता हूं। मैं ये आपको विश्वास लाता हूं कि हॉस्पिटल के अंदर जो असुविधा रही है वो आपको 15 तारीख के बाद में देखने को नहीं मिलेगी, बहुत शानदार व्यवस्था करने जा रहा हूं। उसके लिए मेरे जो भी संभव होगा मैं आपके साथ रह करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास लाता हूं। नगर पालिका क्षेत्र में जो सड़कों का काम हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। एलईडी लाइटें आपने देखा होगा कि 5-5, 7-7 के ट्यूबलाइट के लिए आपके पार्षद क्या करते थे, लेकिन हमने या 6,000 के लगभग एलईडी लाइट लगा करके बिना सको रोशनी से दूधिया रोशनी से आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे बड़े बड़े लंबे थान फाड़ने की आदत नहीं है, मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं। मेरे पास जो भी आया है मैंने किसी को तो कहने का सवाल ही नहीं, मैंने उसका सम्मान करने का काम किया है और आगे भी मैं आपके सम्मान के साथ आपका काम करूंगा और आपको विश्वास लेता हूं कि बिना सर के अंदर चौमुखी विकास के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना और इतना शानदार आपने ये कार्यक्रम के माध्यम से आज बिना सर में जो हमें आशीर्वाद दिया है मैं हृदय से आपका आभार प्रकटता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाली 7 तारीख को इसी जोश के साथ आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूरे देश के अंदर मोदी जी को हम वापस लाएंगे, 2019 मिशन हमारा कामयाब होगा, ये मैं विश्वास लाता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी वक्ता बोलेंगे। एक मिनट साथियों, एक मिनट। भारत माता की जय। केमाराम पहला नंबर और चला गया भवरलाल तीसरे नंबर। हमारे नगर पालिका जो प्रगति रहते हैं तो बिदासर से छापर होकर सुजानगढ़ तक जो कंप्लीट हो चुकी है, बिदासर से घंटियाल तक, इसके बाद मेरे हिसाब से कोई बाकी सड़कें बड़ी सड़कें नहीं बचती है। इस बिदासर से निकलने वाली एक बड़ी सड़क जो बिदासर से डूंगरगढ़ काड़ू तक स्टेट हाईवे 3 में जो घोषित हो चुका है और जिसका जल्दी टेंडर हो गया है और निर्माण भी शुरू होगा, तो इस बिदासर से सड़कों की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बिदासर से निकलने के लिए शहर के अंदर भी, चाहे बिदासर में किसी भी ओर से अंदर आ जाएं, आपको चारों ओर सड़कें मिलेगी, चाहे गोविंद भोजनालय से बिदासर काकीजी चौक हो और चाहे डूंगरगढ़ मानक सर तालाब चौराहे से बिदासर की तरफ हो। कल इसी चौक में इटली वालों के नारे लग रहे थे, आज हिंदुस्तान के लाल के लिए बोलिए भारत माता की। इटली तक पहुंच जानी चाहिए बात कि बिदासर में हिंदुस्तान का लाल बैठा है, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी कह चुकी है हम 2 नंबर पर हैं मशीन में, 1 नंबर पर खेमाराम है, 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। आने वाली 7 तारीख को बिदासर नया इतिहास रचेगा, हिंदुस्तान नया इतिहास रचेगा और राजस्थान नया इतिहास रचेगा। 1 तारीख को 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी।
उम्मीदवार खेमा राम होगा, ये आज बिदासर के जन सैलाब ने तय कर दिया है। हम वोट की अपील इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने वो ताकत दी जिससे आज सारा हिंदुस्तान 125 करोड़ जनता गर्व महसूस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की उस ताकत का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में अपील इसलिए कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट की अपील इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो शख्सियत दी जिसने अपने राजनीतिक कुशलता से 3/4 हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और वो शख्सियत है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी ऐसी ताकत दी, मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों में एक कोहिनूर का हीरा था और वो हीरा है एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के उस हीरे को पहचाना और देश के सर्वोच्च पद पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पहुंचाया, और आज जिस घर में एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है वो घर मंदिर और मस्जिद से कम नहीं है। 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस का उम्मीदवार कहता है कि मैं मास्टर हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मास्टर नहीं, हेडमास्टर है। हेडमास्टर हेडमास्टर कैसे है? एच से हिंदू और एम से मुस्लिम, और वो हिंदू मुस्लिम बनाएंगे हेडमास्टर खेमा राम। खेमा राम आज से हेडमास्टर बन गया, और बिदासर के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आज उसे मास्टर से ऊपर हेडमास्टर बना दिया है। 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। धन्यवाद भाइयों। पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हर मोदी मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। 7 तारीख को 80% वोटिंग होनी चाहिए, और आप बहुत जोश दिखाई देना चाहिए। आज नरेंद्र भाई मोदी है, और गरीब परिवार का है उसको पता है गरीबी क्या होती है। मेरे भाइयों, उस नरेंद्र मोदी को सोचना है, देश को बचाना है तो अपने भाई नरेंद्र मोदी को बचाना है, और विधायक खेमा राम को मेघवाल को 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना है। इसी के साथ 37 कौम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने हिंदुस्तान का नाम कितना रोशन किया है। आज विदेश में रहने वाले हमारे भाई जब हिंदुस्तान में आते हैं तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में हमारी इतनी इज्जत बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। मित्रों, जहां भी नरेंद्र मोदी जाता है पूरे राष्ट्र के लोग, सभी राष्ट्रों के लोग पलक पाउंडे बिछाकर उसके लिए तैयार रहते हैं। चाहे अमेरिका जाए, चाहे रशिया जाए, चाहे जापान जाए, और चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए। मित्रों, आज कांग्रेस रही कहां है? ऊपर से नीचे तक आ जाइए। कश्मीर में कांग्रेस का छपाया, हरियाणा में कांग्रेस का छपाया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का छपाया, राजस्थान में कांग्रेस का छपाया। कांग्रेस का नाम लेने के लिए एकमात्र कोई स्टेट बीच में आता है तो पंजाब रह गया था। मित्रों, आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं, अब ये कंफ्यूज करने के लिए लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस वाले देखते हैं कंफ्यूज कैसे करें, इनको भ्रम में कैसे डालें। तो कांग्रेस वालों ने एक नारा गढ़ा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खेर नहीं। ये कांग्रेस वालों का घिरा हुआ नारा है। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अगर बहुत बढ़िया ये कुर्ता पहन के आ गया, नीचे अगर पजामा नहीं होगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो मित्रों, ऊपर जब मोदी की सरकार होगी और ये पजामा राजस्थान की सरकार है, ये नहीं बनेगी तो हम बिना पजामा के कुर्ता कैसे शोभा देगा?